ऐसा लग रहा है दोस्तों कि पोको एप टू जल्द ही इंडिया में आने वाला है। ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर पोको का जो ऑफिशियली चैनल है उस पर एक टीज हुआ है कि पोको एप टू जल्द ही इंडिया में आने वाला है और कुछ एस्पेक्ट्स भी कंफर्म कर दिया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे पोको एप टू कब तक इंडिया में आ जाएगा और कन्फर्म एस्पेक्टेशन क्या है, जान लेते हैं सब कुछ वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर जाके फॉलो करें। तो चलिए बात कर लेते हैं पोको एप टू के बारे में। पोको एप टू को सब्र था बहुत सारा इंडियन को, क्योंकि वो पोको एप वन जो है काफ़ी अच्छा फ़ोन था और पोको एप टू का ज़्यादातर लोग इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन पोको एप टू बहुत दिनों बाद इंडिया में आने वाला है। लगभग 2018 में लॉन्च हुआ था इंडिया में, उसके बाद लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे आएगा फ़ोन या नहीं आएगा। लेकिन फाइनली दोस्तों 2021 में ये कन्फर्म होने जा रहा है कि पोको एप टू जल्द ही इंडिया में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आपको पोको एप टू में क्या क्या एस्पेक्ट्स देखने को मिलेगा। वैसे ज़्यादातर तो पता नहीं है कि क्या क्या कन्फर्म एस्पेक्ट्स मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ जो है कन्फर्म आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको डिस्प्ले में देखने को मिलेगा सुपर एमोलेड पैनल, वो भी 120Hz रिफ्रेशिंग रेट के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पहला ऐसा फ़ोन होगा जिसमें आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा एंड रिफ्रेशिंग रेट आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगा, 120Hz का रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 6.5 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डिस्प्ले में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाला है ये फ़ोन में, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर वहीं बैटरी की बात करो तो आपको 4250 mAh का बैटरी जो है देखने को मिल जाएगा फ़ोन में, जो कि लगभग ठीक ठाक लगा है हमें देखने में। एंड 33W का चार्जर देखने को मिल जाएगा इस फ़ोन के साथ एंड Type-C पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा देखने में लगा है फ़ोन, बैटरी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेन आता है कैमरा सेटअप के बारे में। रियर में आपको जो है 48MP का जो है प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2MP का डेप्थ सेंसर एंड 2MP का माइक्रो लेंस के साथ ये फ़ोन आएगा। अगर सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो आपको 16MP का सेल्फी कैमरा जो है देखने को मिल जाएगा, ओवरऑल किस कुछ इस तरह का पैकेज के साथ आएगा ये फ़ोन। वहीं अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो आपको कोलकॉम स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक 4G प्रोसेसर यानी कि आपको 5G प्रोसेसर नहीं देखने को मिलेगा पोको एप टू में। ये फ़ोन सिर्फ 4G प्रोसेसर पर ही आएगा। ओवरऑल प्रोसेसर ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप अच्छा खासा गेमिंग कर पाओगे। कोलकॉम स्नैपड्रैगन 732G है एक अच्छा प्रोसेसर, यानी कि ऐसा नहीं कि एकदम घटिया प्रोसेसर ही है, अच्छा प्रोसेसर है। लगभग आप अच्छा खासा गेमिंग खेल पाएंगे, क्योंकि 7 सीरीज का प्रोसेसर है तो इस पर अच्छा खासा आप गेमिंग खेल ही पाओगे। तो प्रोसेसर भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा पोको एप टू में। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फ़ोन का कुछ सेंसर के बारे में। आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है, फेस अनलॉक देखने को मिल सकता है, 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा और Type-C पोर्ट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओवरऑल कुछ अच्छा फ़ोन हमें देखने में लगा है। तो फाइनली बात कर लेते हैं इस फ़ोन का प्राइस के बारे में। आपको 6GB का रैम एंड 64GB स्टोरेज के साथ इस फ़ोन का प्राइस लगभग 20,000 के अंदर में ही देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको 20,000 के अंदर में पोको एप टू देखने को मिलने वाला है। तो फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये फ़ोन कब इंडिया में आने की चांस है। ज़्यादातर जो ये फ़ोन इंडिया में आ सकता है फरवरी के लास्ट वीक में ये फ़ोन इंडिया में आ जाएगा, जहाँ तक हमें लगता है। उसे कन्फर्म नहीं है कि इंडिया में फरवरी में आ ही जाएगा, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि ये फरवरी के लास्ट वीक में इंडिया में आ सकता है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन देखने में लगा है। आपको कैसा लगा है कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होता है तो आप लेंगे या नहीं, हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर, मिलता हूं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कर दें।